ओम नमः शिवाय। बरेली का धूपेश्वर नाथ मंदिर अलौकिक शक्ति का स्रोत है। यह कोई साधारण मंदिर नहीं है, इसका इतिहास 5000 साल पुराना है। अर्थात कौरव पांडव और भगवान श्री कृष्ण जब इस धरती पर विराजमान थे, ये मंदिर भी तभी का बना हुआ है। तो आज की इस वीडियो में मैं इस मंदिर के बारे में आप सभी को विस्तार से बताऊंगी और इस मंदिर के अंदर के कुछ दृश्यों को भी दिखाऊंगी। तो आप सभी इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। आप सभी को मेरा नमस्कार। पौराणिक धरोहरों से समृद्ध बरेली को नाथ की नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि इस नगर की चारों दिशाएं भगवान शिव के विभिन्न रूपों से आच्छादित हैं। नगर के चारों दिशाओं में स्थित चारों शिवालय नगर की रक्षा चौकियां माने जाते हैं, जिनमें विराजे भोलेनाथ अपने भक्तों की सारी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं, ऐसा मानना है। बरेली के पूर्व में स्थित है बरखंडी नाथ मंदिर, दक्षिण में है तपेश्वर नाथ मंदिर, पूर्व दक्षिण अग्निकोण में है धोपेश्वर नाथ मंदिर और उत्तर पश्चिम में है अलकनाथ मंदिर, पश्चिम में मणिनाथ मंदिर है और उत्तर में त्रिवटी नाथ मंदिर स्थित है। यह मंदिर नाथ नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह मंदिर नाथ नगरी की प्राचीन मंदिरों में से एक है। प्रचलित कथा के अनुसार अत्रि ऋषि के शिष्य धूम्र ऋषि अपने शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे और यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर वो यहीं पर रुक गए और यहीं पर आश्रम बनाकर तपस्या करने लगे। धूम्र ऋषि ने यहाँ रहकर भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। कभी उनकी कठोर तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन भी दिए और वर मांगने को भी कहा था। तो धूम्र ऋषि ने जन कल्याण हेतु उन्हें सदा सदा के लिए यहीं पर विराजमान होने की प्रार्थना की थी। कभी धूम्र ऋषि की इस जन कल्याण भावना को देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए थे और उन्होंने ऋषि जी को आशीर्वाद दिया कि इस लिंग का पूजन तुम्हारे नाम से होगा, जिसके बाद यह जगह धूमेश्वर नाथ के नाम से ही पूजी जाने लगी थी। धूम ऋषि का नाम तो महाभारत में भी वर्णित है, ये तो आप सभी जानते हैं, किंतु वर्तमान समय में अपहश होकर ये मंदिर धूपेश्वर नाथ के नाम से जाना जाता है। प्राचीन शिवालय के पास गणेश, सरस्वती, महादेव, दुर्गा, शिव पार्वती, राधा कृष्ण, हनुमान जी, सूर्य देवता की मोहक प्रतिमाएं हैं। महादेव की सभी भक्तों से प्रार्थना है कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी।